नमस्कार, मैं राधेश्वरी देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट केएम कॉलेज डोंडी, डिस्ट बालोद, छत्तीसगढ़। आज यहाँ पर हम बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड के अंतर्गत उल्लेखित इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म या प्रोड्यूसर और डिफरेंट लेवल के कंज्यूमर्स के नंबर, बायोमास एंड एनर्जी में परस्पर एक रिलेशन होता है। इनके मात्राओं के अनुपात को डायग्राम के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो एक पिरामिड लाइक आकृति प्राप्त होती है जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में विभिन्न ट्रॉपिक लेवल होते हैं जिसे प्रोड्यूसर, हार्बियोर्स, कार्नियोर्स, एनिमल के रूप में चित्रित किया जाता है। इसमें प्रोड्यूसर पिरामिड के बेस पर और ट्रॉप कंज्यूमर एपेक्स का निर्माण करते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स जो होते हैं, फूड चेन में एनर्जी फ्लो के दौरान एनर्जी का क्षय और संचय होता रहता है। जहां एनर्जी का संचय होता है वे लेवल ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट कहलाते हैं। जो हर्बिवोरस एनिमल होते हैं वो ग्रीन प्लांट से एनर्जी प्राप्त करते हैं और ये सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं। इसी प्रकार कार्नियोरस एनिमल हर्बिवोरस से एनर्जी प्राप्त करते हैं और टर्शियरी ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं। इस प्रकार 5 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रॉपिक लेवल देखते हैं। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वहाँ प्रोड्यूसर होता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इसी प्रकार फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं और फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल टॉप कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। आकृति के आधार पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो पिरामिड जो सीधे बनते हैं और दूसरे प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड जो उल्टे बनते हैं। दोनों ही प्रकार के पिरामिड में प्रोड्यूसर को बेस पर रखा जाता है और उसके बाद अन्य ट्रॉपिक लेवल क्रमशः आते जाते हैं। इनके बेस पर हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं जो इनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है पिरामिड सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। नंबर का जो पिरामिड है वह उल्टा और सीधा दोनों तरह से बनता है। इसी प्रकार बायोमास का पिरामिड भी उल्टा और सीधा बनता है, लेकिन एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर्स देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को चार्ल्स एल्टोन ने 1927 में डेवलप किया था, इसलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। जब इकोसिस्टम की फूड चेन को प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर की संख्या से दर्शाते हैं तब इस प्रकार के बने पिरामिड्स को जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। प्रायः इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की संख्या सबसे अधिक होती है, इसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः कम होती जाती है। अतः प्रायः जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ग्रासलैंड में नंबर के पिरामिड का स्टडी करते हैं। ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में
प्लांट की संख्या सर्वाधिक होती है और इसके बाद अन्य जीवों की संख्या क्रमशः कम होती जाती है। पौधों की अपेक्षा हर्बिवोरस संख्या में कम होते हैं, जैसे कि ग्रास ऑफर। ग्रास ऑफर का भक्षण करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर संख्या में उनसे कम होते हैं, जैसे फ्रॉग। फ्रॉग का भक्षण करने वाले तृतीय श्रेणी के कंज्यूमर फ्रॉग से भी कम होते हैं, जैसे कि स्नेक। अंत में टॉप कंज्यूमर जैसे हॉक और भी कम होते हैं। अतः घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। यहाँ पर एक ग्रासलैंड में नंबर के पिरामिड को दर्शाया गया है, जिसमें प्रोड्यूसर के रूप में ग्रास, प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में ग्रास ऑफर, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, टर्शरी कंज्यूमर स्नेक और क्वार्टरनरी कंज्यूमर के रूप में हॉक को लिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रासलैंड में ग्रास की संख्या सबसे अधिक होती है और उसके बाद जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल पिरामिड्स ऑफ नंबर का हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एक ट्रिक में देखते हैं। जब अकेले वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में इकोलॉजिकल पिरामिड में जब नंबर के पिरामिड्स का स्टडी किया जाता है, तो हम देखते हैं कि यह जो पिरामिड होता है वह उल्टा बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है वो एक वृक्ष होता है और जो इस वृक्ष में बहुत सारे पक्षियाँ निवास करते हैं जो कि इस वृक्ष से संख्या में अधिक होते हैं, और प्रत्येक जो पक्षियाँ होती हैं उसमें बहुत सारे पैरासाइट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में निवास करती हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि प्रोड्यूसर ही हमेशा बेस पर रहता है। यहाँ प्रोड्यूसर एक वृक्ष है जो पिरामिड के कम जगह में आरेखित किया गया है, इसलिए पिरामिड यहाँ पर उल्टा बनता है। अब दूसरा पिरामिड हम देखते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। किसी इकोलॉजिकल सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म का इकाई क्षेत्र में ड्राई वेट बायोमास कहलाता है। किसी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रोड्यूसर का बायोमास सदैव अधिक होता है, इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर का बायोमास क्रमशः कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड देखते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म के बायोमास प्रोड्यूसर की अपेक्षा कंज्यूमर के बायोमास के विभिन्न लेवल पर कमी आ जाती है, अतः इसका पिरामिड जो है वो सीधा बनता है। यहाँ पर एक पिरामिड्स दिखाया गया है जो बायोमास का है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र से लिया गया है। यहाँ पर ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर के रूप में है और प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में बर्ड्स या काऊ हो सकते हैं, उसी प्रकार से सेकेंडरी कंज्यूमर कॉर्नियोरस हो सकते हैं और ये टर्शरी कंज्यूमर में टॉप कार्निवोरस एनिमल हो सकते हैं। तो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो उल्टा किन परिस्थितियों में बनता है? तो अगर हम बायोमास के पिरामिड को किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम में देखें तो बायोमास का पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की संख्या अधिक होती है किंतु इसका बायोमास कम होता है। यहाँ पर इस पिरामिड में हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम केवल बायोमास को ही देखेंगे और बायोमास जिसका अधिक होगा वह आधार वाले जो चौड़ा जो भाग है यहाँ पर उसमें उसको रखेंगे। पॉन्ड या एक्वाटिक इकोसिस्टम में बड़ी मछलियों का जैव भार ज़्यादा होता है, इसलिए अधिक बायोमास के कारण इन्हें पिरामिड के चौड़े भाग में रखना होगा, जिससे पिरामिड जो है उल्टा बनता है। यहाँ पर
एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर जो होते हैं वो डायटम्स या फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जिनका बायोमास कम होता है। इसी प्रकार से प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में हर्बिवोरस स्मॉल फिशेस होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में लार्ज कार्निवोरस फिशेस होते हैं जिनका बायोमास सबसे अधिक होता है। बायोमास टर्म बोडेनहाइमर नामक वैज्ञानिक ने 1938 में यहाँ पर एक्सप्रेस किया था। बायोमास को बम कैलोरीमीटर के द्वारा मेज़र किया जा सकता है। तीसरा जो पिरामिड है उसे पिरामिड ऑफ एनर्जी या पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, जिसे जी एवेलियन हचिंसन एंड रायमंड लिनमैन ने 1942 में दिया था। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। सोलर एनर्जी की संपूर्ण एनर्जी प्लांट द्वारा नहीं ली जा सकती, नहीं प्लांट की पूर्ण एनर्जी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर के द्वारा ली जा सकती है। फूड चेन के प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का ह्रास होता है। केवल 10% एनर्जी का यूज़ ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। यहाँ पर एनर्जी का पिरामिड दर्शाया गया है जिसमें जो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और मान लो ये यहाँ पर 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी संचित करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर इसका केवल 10% ऊर्जा ही ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है 1,000 किलो कैलोरी। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर केवल इसका 10% के रूप में 100 किलो कैलोरी, और जो टर्सरी कंज्यूमर है वो केवल 10 किलो कैलोरी यहाँ पर ले संचित कर सकते हैं। बाकी जो एनर्जी जो होते हैं वो थर्मल एनर्जी के रूप में यहाँ पर उनका ह्रास हो जाता है। इस प्रकार से एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। पारिस्थितिक पिरामिड का महत्व देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में विभिन्न जीवों के भक्षण को दर्शाते हैं। यहाँ ऊर्जा के हस्तांतरण की दक्षता को दर्शाता है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति पर नज़र रखकर होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। इसी प्रकार से पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाएं भी हैं। जो पारिस्थितिक पिरामिड है यह खाद्य जाल के संदर्भ में ध्यान नहीं रखता, केवल ये यहाँ पर खाद्य श्रृंखला पर ही ध्यान देता है। इसी प्रकार से सेफ्रोफाइट जो कि इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, किसी भी पिरामिड में इस पर विचार नहीं किया गया है। ये पिरामिड केवल खाद्य श्रृंखलाओं पर लागू होते हैं जो आमतौर पर स्वाभाविक नहीं हैं। ये विभिन्न स्तर पर एक ही प्रजाति के अस्तित्व की संभावना पर विचार नहीं करते। ये मौसम और जलवायु में भिन्नता के संबंध में कोई अवधारणा प्रदान नहीं करते। इस प्रकार से हम इकोलॉजिकल पिरामिड के विषय में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।